दी ऑर्डिनरी नियासिनमाइड 10%, जिंक 1%। इस सीरम के बारे में बहुत हाइप क्रिएट हुई है यूट्यूब पे, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से रिव्यूज़ हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी मशहूर है, तो क्यों ना इस सीरम के बारे में बात की जाए। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये दी ऑर्डिनरी की ये प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं। इनके सीरम्स स्पेशली मुख्तलिफ किस्म के सीरम्स हैं, कोई बील्स हैं, कोई लैक्टिक एसिड का सीरम है, AHA BHA एक्सफोलिएशन के लिए सीरम बहुत अच्छा है इनका, और जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो नियासिनमाइड 10% और जिंक 1% है। नियासिनमाइड बेसिकली विटामिन B3 होता है और इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं। इसी तरह जिंक है, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसके भी मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं। तो आज हम इन सारे बेनिफिट्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, क्या आपको इतने पैसे खर्च करने मुनासिब हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जो क्लेम्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इस सीरम के अंदर, नियासिनमाइड और जिंक। तो नियासिनमाइड जैसा कि आप जानते हैं विटामिन B3 है और इसके मुख्तलिफ फ़वाद हैं स्किन के लिए। स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, इसके साथ साथ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करता है, ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, और ओवरऑल इसके साथ साथ कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आपकी स्किन पर जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक विटामिन B3 की 5% क्वांटिटी इनफ होती है। अगर आप किसी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें विटामिन B3 5% है, तो वो ये समझ लें कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने 10% यूज़ किया हुआ है, तो मे बी कुछ स्किन टाइप्स पे इसका कोई मामूली सा ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन वैसे ही हर स्किन टाइप पर काम करेगा। इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो जिंक है। अब जिंक की भी मुख्तलिफ फ़वाद हैं। जिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्किन पे रेडनेस के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, स्कार्स को मिनिमाइज़ करता है। तो दोनों चीज़ें जो इसमें शामिल की गई हैं, दोनों के बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी कस्टमर है उन्हें जल्दबाजी की आदत पड़ गई है, स्पेशली वाइटनिंग क्रीम से। तो लोगों को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं हफ्ते में, 10 दिन में, कुछ लोगों को 2-3 दिन में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल में आपको कम अज़ कम 2 हफ्ते और मैक्सिमम आपको 4 माह तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि स्किन कंडीशन कैसी है। अगर तो स्किन पे कोई मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर 3 से 4 माह आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मसले मसाइल स्किन पे कम हैं, तो फिर आई थिंक ये 2 वीक्स में अपने रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। वैसे अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने खुद ट्राई की हुई है। जो कस्टमर्स इसे एक्नी की ट्रीटमेंट समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि एक्नी जो है वो डिपेंड करता है किस तरह की है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है या सीवियर एक्नी है। तो उन कस्टमर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो सैलिसिलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड या दोनों, सैलिसिलिक प्लस मैंडेलिक, उसको ट्राई करें, ये इसको स्किप कर दें। अगर वैसे आपने फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस थोड़े बहुत जो होते हैं उन्हें अगर आपने ट्रीट करना है, उसके लिए ये ठीक रहेगा। इसके साथ साथ ओपन पोर्स और सीबम प्रोडक्शन को कम करने के लिए, अगर स्किन पर रेडनेस है उसे कम करने के लिए, अगर स्किन इन्फ्लेमेटोरी है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई चीज़ मशहूर होती है, कोई ब्रांड, कोई किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट, तो उसकी फेक प्रोडक्ट्स बड़ी आ जाती हैं मार्केट में। आपको याद होगा जब 5,000 का जो करेंसी नोट है हमारा पाकिस्तानी, जब वो गवर्नमेंट ने इशू किया, तो आई थिंक 2-3 वीक्स के अंदर फेक नोट्स भी आ गए मार्केट में। बहुत से ऐसे केसेस आए कि नकली नोट देकर दुकान से कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ली, बाद में दुकानदार ने देखा कि वो नोट तो नकली था। तो आप कोशिश करें किसी अच्छे और मशहूर और बड़े ऑनलाइन स्टोर से या किसी बड़ी सुपरमार्केट से जहाँ से आपको ये मिल सकता है, वहाँ से आप परचेज़ करें, और असली होगा तो रिजल्ट्स मिलेंगे, फेक होगा। वैसे तो मुख्तलिफ ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसकी नकल की हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। सेम ऐसी बॉटल लेके, सेम ऐसा वाइट जो है ड्रॉपर कैप होता है ये लेके, इसमें अपना सीरम फिल किया हुआ है, लेबल भी सेम है, ये जो लाइन होती है ये भी सेम है, अपना ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, नीचे बस हाईलाइट किया है कि नियासिनमाइड 10% और जिंक 1% इसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये ऑथेंटिक होती हैं, और जहाँ ये बनती है वहाँ पूरा सिस्टम होता है, और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, किसी भी चीज़ में हेरा फेरी नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए किसी को परवाह नहीं होती। लिहाजा अपनी स्किन का ख्याल रखें और अच्छी ऑथेंटिक और
ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो बाय किया करें। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करने की आपके अंदर सलाहियत है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्वांटिटी जो कंसंट्रेशन होती है वो अच्छी है, तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको द ऑर्डिनरी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि ये आप ही का चैनल है, तो सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।